गुड आफ्टरनून एवरीवन, कैसे हैं सब? चलिए जी, आज हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में हमारे प्रोविजंस की बात करते हैं। डेफिनेशन पोर्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज काउंसिल के ऊपर हमारा फर्स्ट टॉपिक है। देखिए, काउंसिल के लिए बोल रहा है कि जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर तीन तरह की काउंसिल बनाई जाएंगी। काउंसिल्स, जो हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें तीन तरह की काउंसिल दे रखी है हमको। फर्स्ट इज सेंट्रल काउंसिल, सेकंड इज स्टेट काउंसिल एंड थर्ड वन इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। जो हमारे पास ये तीन तरह की काउंसिल है, ये क्या काम करेगी? जो सेंट्रल काउंसिल है वो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी और साथ ही साथ उनको प्रमोट करेगी कंट्री लेवल पे। इट प्रमोट्स, इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स कंज्यूमर्स राइट्स एट नेशनल लेवल। उसके बाद सेकंड है हमारे पास स्टेट काउंसिल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट्स कंज्यूमर्स राइट्स एट स्टेट लेवल काउंसिल। इसका ऑब्जेक्टिव, इट प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर्स राइट्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये तीन तरह के आपको काउंसिल यहां पे दे रखी है। तो एक काउंसिल है जिनके बारे में हमें पढ़ना है, तो इनका ऑब्जेक्टिव क्या है वो तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखते हैं कि ये काउंसिल बनाएगा कौन। देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्स टू एस्टेब्लिश सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल टू बी नोन एज सेंट्रल काउंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है एक सेंट्रल काउंसिल बनाने की, जिसका फुल नेम क्या है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल। द सेंट्रल काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, हु शैल बी द चेयरपर्सन एंड सच नंबर ऑफ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग सच इंटरेस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल काउंसिल बनाई जाएगी वो एज अ एडवाइजरी रोल प्ले करती है। मतलब सेंट्रल काउंसिल जो है वो एडवाइस देगी किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट को। किन मैटर्स पे? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के जो मैटर्स हैं उन मैटर्स पे सेंट्रल काउंसिल एडवाइस देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये लिखा हुआ है। अब जो ये सेंट्रल काउंसिल बनाई जाएगी इसमें कौन कौन लोग किस पोस्ट पे काम करेंगे, ये बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसका मिनिस्टर इन चार्ज, मतलब उस डिपार्टमेंट का जो हेड है, एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका नाम क्या है? कंज्यूमर अफेयर्स नाम है, और वो डिपार्टमेंट है कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है, मतलब उस डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर इन चार्ज है, हेड है, वो सेंट्रल काउंसिल के अंदर चेयरमैन बनेगा, ऐसा लिखा हुआ है। और साथ ही साथ चेयरमैन के साथ कुछ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी अपॉइंट किए जाएंगे, और इनकी भी अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। जब सेंट्रल काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने की है तो सेंट्रल काउंसिल में काम करने वाले बंदे, चाहे वो चेयरमैन है चाहे वो अदर मेंबर है,
उनकी भी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा। द काउंसिल शैल मीट एज एंड वेन नेसेसरी बट एटलीस्ट वन मीटिंग ऑफ द काउंसिल शैल बी हेल्ड एवरी ईयर। अब यहाँ मीटिंग की बात कर रहे हैं कि सेंट्रल काउंसिल जितने चाहे उतने मीटिंग्स एक साल में कर सकता है, पर कम से कम एक मीटिंग तो करनी पड़ेगी एनुअली। फिर पॉइंट नंबर फोर में लिखा हुआ है द सेंट्रल काउंसिल शैल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस। अब कह रहे हैं कि मीटिंग का टाइम क्या होगा और कहाँ पे मीटिंग की जाएगी, इसके बारे में चेयरपर्सन जो है वो डिसाइड करेगा। ठीक है, चेयरपर्सन ही डिसाइड करेगा कि सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग का टाइम क्या होगा और वेन्यू क्या होगा। फिर पॉइंट नंबर फाइव में लिखा हुआ है द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंट्रल काउंसिल शैल बी टू रेंडर एडवाइस ऑन प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अंडर द एक्ट। ये भी हमने नोट डाउन भी किया था। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ स्टेट काउंसिल के ऊपर। एवरी स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्स टू एस्टेब्लिश अ स्टेट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल फॉर सच स्टेट टू बी नोन एज स्टेट काउंसिल। ये कह रहे हैं कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है, वो अपने अपने रिस्पेक्टिव स्टेट के अंदर एक एक क्या बनाएंगे, स्टेट काउंसिल एस्टेब्लिश करेंगे। अब कह रहे हैं कि स्टेट काउंसिल का चेयरमैन कौन होगा। स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, उसका इंचार्ज जो मिनिस्टर होगा, उसका इंचार्ज जो पर्सन होगा, वही पर्सन स्टेट काउंसिल में चेयरमैन बनेगा। उसके अलावा स्टेट काउंसिल के अंदर कुछ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी काम करेंगे, ठीक है, जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से होंगे, और साथ ही साथ कुछ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी काम करेंगे जो मैक्सिमम 10 होंगे। इनकी एडवाइज, इनको नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो स्टेट काउंसिल में एक तो चेयरमैन काम करेगा। चेयरमैन कौन होगा सर, एक्स ऑफिशियो पर्सन, कहाँ का, स्टेट गवर्नमेंट में जो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है उसका जो हेड है, वही पर्सन स्टेट काउंसिल के अंदर क्या बनेगा, चेयरमैन बनेगा। तो कहीं ना कहीं आप कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट में मिनिस्टर इंचार्ज की पोस्ट होल्ड कर रहे हो, इसीलिए हम आपको स्टेट काउंसिल का भी चेयरमैन बना रहे हैं। तो ये एक्स ऑफिशियो अपॉइंटमेंट होती है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर काम करेंगे। उनके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैक्सिमम 10 बंदे नॉमिनेट कर सकती है जो स्टेट काउंसिल में काम करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है मीटिंग के बारे में कि स्टेट काउंसिल का जब मन करे तब वो मीटिंग कर सकते हैं किसी भी एजेंडा के ऊपर, पर कम से कम इनको दो मीटिंग एक साल में करनी पड़ेगी, मिनिमम टू करनी है, मैक्सिमम की लिमिट नहीं है। आगे लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग है वो कौन से टाइम पे होगी और कौन सी जगह पे होगी, इसके लिए स्टेट काउंसिल का जो चेयरमैन है वो डिसाइड करेगा टाइम एंड वेन्यू। और लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि स्टेट काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है। स्टेट काउंसिल जो है वो एडवाइस देगी प्रमोशन और प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर राइट्स विद इन द स्टेट। उसके बाद नेक्स्ट लिखा हुआ है डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल द स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्स। अब देखो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी कौन बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट बना रही है। कहाँ पे, एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है, हर एक जिले में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है हमारी वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एस्टेब्लिश करेगी। द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल शैल बी एन एडवाइजरी काउंसिल एंड कंसिस्ट द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड हु शैल बी द चेयरपर्सन। अब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन कौन बनेगा, डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर है वो एक्स ऑफिशियो पोस्ट होल्ड करेगा एज अ चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। साथ ही साथ कुछ अदर ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर भी काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग के बारे में दे रखा है, एक साल में कितनी भी मीटिंग करो, कोई बाउंडेशन नहीं है, पर कम से कम दो मीटिंग करनी पड़ेगी। मीटिंग का टाइम और वेन्यू क्या रहेगा, जो चेयरमैन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वो डिसाइड करेगा। उसके बाद ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना, प्रोटेक्शन देना, किसको, कंज्यूमर राइट्स को, कहाँ पे, विद इन द डिस्ट्रिक्ट। तो ये आपको तीन तरह की काउंसिल के बारे में टॉपिक दे रखा था। अब हम चलते हैं आगे, अब हम पढ़ते हैं अथॉरिटी के बारे में, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। अब देखिए, अब हम डिस्कस करते हैं अथॉरिटी के बारे में कि सेंट्रल अथॉरिटी कौन सी है, सेंट्रल काउंसिल क्या है, पढ़ के आ चुके हैं, कौन कौन पर्सन उसमें काम करते हैं, वो काउंसिल क्यों बनाई गई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, किसने बनाई है, वो सारा पढ़ के आ चुके हैं।
अब हमको एक अथॉरिटी के बारे में और बात करनी है, जिसको हम शॉर्ट में सीसीपीए बोल रहे हैं, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। देखो, एस्टेब्लिशमेंट की बात करें सबसे पहले, सेक्शन 10 में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर आ गई है क्या एस्टेब्लिश करने की, सीसीपीए एस्टेब्लिश करने की, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल अथॉरिटी बोल रहे हैं। टू रेगुलेट मैटर्स रिगार्डिंग टू वॉयलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विच आर प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक एंड कंज्यूमर्स, एंड टू प्रमोट प्रोटेक्ट एंड एनफोर्स द राइट ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास। देखिए, जो हमारी सीसीपीए है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया हुआ है। सबसे पहले तो बात कर रहे हैं रेगुलेशन की, और उसके बाद बात कर रहे हैं प्रमोशन की। इसको अगर हम चार्ट की फॉर्म में समझें कि सीसीपीए का फंक्शन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टेब्लिशिंग सीसीपीए, हमारी गवर्नमेंट ने सीसीपीए क्यों एस्टेब्लिश की है, उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन किया हुआ है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट तो बोल रहा है रेगुलेट करना, सेकंड बोल रहा है प्रमोट करना, प्रमोट एंड प्रोटेक्ट। रेगुलेट क्या करेंगे, देखिए रेगुलेट करना किसको, वॉयलेशन, कंज्यूमर राइट्स के वॉयलेशन की बात कर रहे हैं। और रेगुलेट किसको करेंगे हम, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, इसके अलावा रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, इनको हम रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट का मतलब क्या बनता है सर, कंट्रोल करना। जो सीसीपीए है वो कंट्रोल करेगी इन एक्टिविटीज को, कि ऐसे काम ना हो, क्योंकि ऐसे काम जो होते हैं उससे क्या होता है, अल्टीमेटली पब्लिक का और कंज्यूमर का नुकसान होता है। ये एक्टिविटीज क्या है, डेट्रीमेंटल है। ये जो एक्टिविटीज है वो डेट्रीमेंटल है, किसके लिए, डेट्रीमेंटल टू पब्लिक एंड कंज्यूमर। तो ऐसी एक्टिविटीज ना परफॉर्म की जाए, इसके लिए सीसीपीए ने को एस्टेब्लिश किया गया। अब यहां पे लिखा हुआ है कि प्रमोट एंड प्रोटेक्ट किनको, कंज्यूमर राइट्स, जो कंज्यूमर के राइट्स है उनको हम प्रमोट करेंगे और उनको हम प्रोटेक्ट भी करेंगे, ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाया गया है सीसीपीए का। सेकेंड पॉइंट दिया हुआ उसके बाद, द सेंट्रल अथॉरिटी शैल कंसिस्ट ऑफ ए चीफ कमिश्नर एंड सच अदर कमिश्नर्स एज मे बी प्रिस्क्राइब टू बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सरसाइज द पावर्स एंड डिस्चार्ज द फंक्शंस अंडर द एक्ट। अब कह रहे हैं कि जो सीसीपीए अथॉरिटी बनाई गई है, अब उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए स्टाफिंग करनी पड़ेगी, पर्सन अपॉइंट करने पड़ेंगे। सिर्फ अथॉरिटी बनाने से ऑब्जेक्टिव तो पूरे नहीं होंगे ना, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, एक्शन परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो वो एक्शन परफॉर्म कौन करेगा, जो मेंबर्स अपॉइंट किए जाएंगे सीसीपीए में। अब कह रहे हैं कि सीसीपीए के अंदर एक तो चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा, उसके अलावा कुछ अदर कमिश्नर्स और अपॉइंट किए जाएंगे। एक तो चीफ कमिश्नर होगा,
उसके साथ कुछ अदर कमिश्नर होंगे। अदर में कौन कौन आ सकता है? एडिशनल, ठीक है, डिप्टी हो गया, जॉइंट हो गया, ये सब एडिशनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, इस तरीके से हम कुछ अदर कमिश्नर भी अपॉइंट कर सकते हैं। जो ये सभी लोग क्या करेंगे, सीसीपीए का जो ऑब्जेक्टिव जो नोट डाउन किया अभी हमने, उनको अचीव करने में काम करेंगे। और अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सीसीपीए को एस्टेब्लिश किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स, इनकी अपॉइंटमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू की जाएगी। नेक्स्ट आओ, हेडक्वार्टर कहाँ होगा सेंट्रल अथॉरिटी का? जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है, एनसीआर में, दिल्ली एनसीआर में इसका हेडक्वार्टर है। और जो सीसीपीए है, इसके रीजनल और अदर ऑफिस पूरे इंडिया में कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट आओ, क्वालिफिकेशन मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एटसेट्रा ऑफ चीफ कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स। अब कह रहे हैं कि सीसीपीए में जो चीफ कमिश्नर अपॉइंट किया जाएगा और जो अदर कमिश्नर अपॉइंट किए जाएंगे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या मांगते हैं, एक्सपीरियंस क्या है उनका, रिक्रूटमेंट कैसे की जाएगी उनकी, इन सब के बारे में डिसाइड करने की बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के रिगार्डिंग, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रिगार्डिंग रूल्स बनाएगी, रूल्स बनाए होंगे, ठीक है। उन रूल्स में डिफाइन किया हुआ है कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए चीफ कमिश्नर बनने के लिए सीसीपीए का, या हमको किसी अदर कमिश्नर की पोस्ट अचीव करनी है सीसीपीए में चीफ कमिश्नर के अंडर, तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट करेगी, सिलेक्शन करेगी, वो सब रूल्स में डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद वैकेंसी एटसेट्रा, नोट टू इनवैलिडेट प्रोसीडिंग्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई भी केस आया हुआ है, सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई भी केस आया हुआ है, मान लो कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का केस आ गया, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस का केस आ गया, या किसी पर्सन ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट दी जिसकी वजह से नुकसान पहुंचा कंज्यूमर को या पब्लिक को, ठीक है, तो उन्होंने अपना केस कहाँ फाइल कर दिया, सेंट्रल अथॉरिटी के पास फाइल कर दिया। तो सेंट्रल अथॉरिटी जब किसी प्रोसीडिंग को सॉल्व कर रही है, किसी केस को सॉल्व कर रही है, उस टाइम पे कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि मान लो सेंट्रल अथॉरिटी में कोई जो हम पोस्ट है वो वेकेंट हो गई है, या सेंट्रल अथॉरिटी में जिन पर्सन्स को अपॉइंट किया गया, चाहे वो चीफ कमिश्नर हो चाहे वो अदर कमिश्नर हो, उनको अपॉइंट करने का जो तरीका था वो एज पर लॉ फॉलो नहीं हुआ, या फिर अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, अगर ऐसी एक्टिविटीज हुई हैं तो इन एक्टिविटीज के दौरान जो प्रोसीडिंग्स चल रही थी सेंट्रल अथॉरिटी के पास, वो इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, ऐसा लिखा हुआ है। तो टॉपिक हमें क्या बोल रहा है कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई प्रोसीडिंग चल रही है तो वो प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं मान सकते, किन कारणों की वजह से, ये तीन कारण दे रखे हैं। नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय द रीजन ऑफ, नो वर्ड स्टार्टिंग में दे दिया, इनवैलिड वर्ड यहां पे दे दिया। ये कह रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटी की प्रोसीडिंग या एक्टिविटी इनवैलिड नहीं मानी जाएगी, किन कारणों की वजह से, किन रीजंस की वजह से, इन तीन रीजंस की वजह से। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है, एनी वैकेंसी इन और एनी डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल अथॉरिटी में किसी भी पोस्ट की कोई वैकेंसी खाली पड़ी है, किसी भी पोस्ट पे वैकेंसी जो है खाली पड़ी है, जैसे मान लो कि सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर एक चीफ कमिश्नर की पोस्ट है, ठीक है, उसके अलावा एक जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट है, उसके अलावा एक डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट है, उसके अलावा कुछ मेंबर और काम कर रहे हैं, तो सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई केस आया हुआ था, वो केस सोल्व करने के दौरान डिप्टी कमिश्नर उस केस के बीच में अपने जॉब छोड़ के चला गया, ठीक है, और जब तक वो केस चला तब तक सेंट्रल अथॉरिटी ने एक नया डिप्टी कमिश्नर अपॉइंट नहीं किया, अपॉइंट हुआ ही नहीं, तो क्या डिप्टी कमिश्नर के अपॉइंट नहीं होने की वजह से जो प्रोसीडिंग्स चलती रही सेंट्रल अथॉरिटी के पास, उनको हम इनवैलिड मान ले? सर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर सेंट्रल अथॉरिटी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, किसी प्रोसीडिंग को लेके उसका सॉल्यूशन ढूंढ रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, कुछ भी काम कर रही है, तो उस दौरान अगर सेंट्रल अथॉरिटी में कोई भी वैकेंसी अराइज होती है, उस वैकेंसी की वजह से हम सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर होने वाली एक्टिविटीज को, प्रोसीडिंग्स को इनवैलिड नहीं मान सकते। दूसरा क्या बोल रहा है
सेंट्रल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश करने के दौरान, सेंट्रल अथॉरिटी को जब कंस्टिट्यूट किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, तो कोई डिफेक्ट रह गया था, मतलब कोई छोटा मोटा या कुछ भी मतलब डिफेक्ट रह गया था, कोई वॉयलेशन हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी एस्टेब्लिश कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल अथॉरिटी को एस्टेब्लिश कर रही थी, कोई डिफेक्ट रह गया था, और एस्टेब्लिशमेंट होने के बाद एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं कौन, सेंट्रल अथॉरिटी, वो डिफेक्ट अभी भी प्रेजेंट है अथॉरिटी में, तो उस डिफेक्ट की वजह से जो एक्टिविटीज परफॉर्म की गई है उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ है, एनी डिफेक्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन एक्टिंग एज चीफ कमिश्नर और एज अ कमिश्नर। ये कह रहे हैं कि अगर चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करने के अंदर या किसी अदर कमिश्नर को अपॉइंट करने के टाइम पे कोई डिफेक्ट रह गया था, कोई डिफेक्ट हो गया था, तो इनकी वजह से, इस डिफेक्ट की वजह से जितनी भी एक्टिविटीज सेंट्रल अथॉरिटी ने परफॉर्म किए उनको इनवैलिड नहीं माना जाएगा। और थर्ड में लिखा हुआ है, सेंट्रल अथॉरिटी अपना प्रोसीजर फॉलो कर रही है, जो लीगल प्रोसीजर सेंट्रल अथॉरिटी को एक्ट में बताया गया है फॉलो करने के लिए, उसके हिसाब से अथॉरिटी काम भी कर रही है, पर कहीं ना कहीं कोई इरेगुलरिटी रह गई है, प्रोसीजर फॉलो करने के दौरान कोई इरेगुलरिटी रह गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं उस इरेगुलरिटी से क्या नहीं हुआ, उस इरेगुलरिटी से जो केस चल रहा था अथॉरिटी के पास, उसके मेरिट्स में उसके मतलब कि डिसएडवांटेज इंक्रीज नहीं हुए या एडवांटेजेस कम नहीं हुई, कुछ ही बोल दो, जो इरेगुलरिटी रही उस इरेगुलरिटी की वजह से उस केस की एडवांटेजेस कम नहीं हुई, या फिर ऐसे बोल दो डिसएडवांटेज इंक्रीज नहीं हुई, अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो एक्टिविटीज परफॉर्म हुई थी वो वैलिड मानी जाएंगी, उनको हम इनवैलिड नहीं मानेंगे, ऐसा बोल दो चाहिए, ठीक है। तो ये तीन कारण दे रखे हैं जिनकी वजह से सेंट्रल अथॉरिटी में परफॉर्म होने वाली एक्टिविटी या प्रोसीडिंग को हम इनवैलिड डिक्लेयर नहीं करवा सकते। नेक्स्ट आओ, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स एक्सपर्ट्स प्रोफेशनल्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अभी हमने डिस्कशन किया कि सेंट्रल अथॉरिटी में एक चेयरमैन काम, एक तो हमारा कमिश्नर काम करेगा जिसको हम चीफ कमिश्नर बोल रहे हैं, उसके अलावा कुछ अदर कमिश्नर भी काम करेंगे, जैसे डिप्टी, ठीक है, जॉइंट हुआ, एडिशनल हुआ, ये सब असिस्टेंट हो गया, असिस्टेंट कमिश्नर भी हो सकता है, तो ये सब अदर कमिश्नर के केस में फॉल करते हैं। अब कह रहे हैं कि इनके अलावा सेंट्रल अथॉरिटी में ऑफिसर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, कोई एक्सपर्ट पर्सन, किसी एक्सपर्ट की राय चाहिए उसको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल की एडवाइस चाहिए, हेल्प चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए सेंट्रल अथॉरिटी को, तो इसको भी हम अपॉइंट कर सकते हैं, अदर एम्प्लॉयज, छोटे मोटे काम करने के लिए और एम्प्लॉयज चाहिए तो उनको भी हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। अब इनकी अपॉइंटमेंट कैसे होगी उसके बारे में डिस्कस करना है, इनकी अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर, एम्प्लॉयज, एक्सपर्ट, प्रोफेशनल्स, अगर इनमें से किसी भी तरह का पर्सन हमें अपॉइंट करना है सेंट्रल अथॉरिटी में, तो इनकी अपॉइंटमेंट कौन करेगा और कैसे की जाएगी। सेक्शन 13 ऑफ द एक्ट डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर्स, एक्सपर्ट्स, प्रोफेशनल्स एंड अदर एम्प्लॉयज ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। इट स्टेट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोवाइड द सेंट्रल अथॉरिटी सच नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज एज इट कंसिडर नेसेसरी फॉर द एफिशियंट परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट। यहां बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल अथॉरिटी को कुछ और बंदे प्रोवाइड करेगी, कुछ और पर्सन प्रोवाइड करेगी, ताकि सेंट्रल अथॉरिटी अपने फंक्शंस अच्छे से परफॉर्म कर सके, अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सके। नेक्स्ट में लिखा हुआ है, द सैलरीज एंड अलाउंसेस पेबल किनको, ऑफिसर्स को, एक्सपर्ट्स को, प्रोफेशनल्स को, ठीक है, एम्प्लॉयज को, इनकी सैलरी या सैलरी के अलावा अदर बेनिफिट जो है उनकी, उनको डिसाइड कौन करेगा, अदर टर्म्स एंड कंडीशन कि अपॉइंटमेंट कैसे किया जाएगा, कम से कम कितने साल के लिए होगा, ठीक है, रिजाइन कैसे कर सकते हैं, एक्सपेल कैसे कर सकते हैं, उन सब के बारे में इसमें लिखा होगा, तो अदर टर्म्स एंड कंडीशन जो है और जो सैलरी वगैरह है उसके बारे में जो है अथॉरिटी वो डिसाइड करेगी। इस एक्ट में जो रूल्स में लिखा होगा उन रूल्स के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कि कितनी सैलरी पे करनी है, कितने अलाउंसेस पे करने हैं, कौन कौन से अलाउंसेस पे करने हैं और अदर टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी इनकी, सर, ऑफिसर्स की, एम्प्लॉयज की, एक्सपर्ट्स की, प्रोफेशनल्स की। नेक्स्ट ऑफ पॉइंट नंबर 3 में, द सेंट्रल अथॉरिटी में एंगेज इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशंस
such number of experts or professionals of integrity and ability who have special knowledge and experience in the areas of consumer rights. अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जब भी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर सेंट्रल अथॉरिटी में एक्सपर्ट्स को प्रोफेशनल्स को अपॉइंट किया जाएगा तो उनके लिए हम नॉलेजेबल क्राइटेरिया चेक करेंगे, ठीक है, उनका बैकग्राउंड चेक करेंगे कि एक्सपर्ट्स को प्रोफेशनल्स को इनमें से किसी भी एरिया में नॉलेज एक्सपर्टीज है या नहीं है। कौन कौन से एरिया दे रखे हैं? कंज्यूमर राइट्स एंड वेलफेयर, कि जिस पर्सन को हम सेंट्रल अथॉरिटी में एज अ एक्सपर्ट अपॉइंट करने जा रहे हैं क्या उसको कंज्यूमर के अधिकारों के बारे में पता भी है या नहीं पता, ठीक है, कंज्यूमर पॉलिसी, लॉ, मेडिसिन, फूड सेफ्टी एटसेट्रा। तो इनमें से किसी भी एरिया में आप एक्सपर्ट होने चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर हमको एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बनना है। कहाँ पे? सेंट्रल अथॉरिटी में। नेक्स्ट आ जाओ प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी पे, कि सेंट्रल अथॉरिटी काम कैसे करती है, प्रोसीजर क्या है काम करने का। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल रेगुलेट द प्रोसीजर फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ इट्स बिजनेस एंड एलोकेशन ऑफ इट्स बिजनेस अमंगेस्ट चीफ कमिश्नर एंड कमिश्नर एज मे बी स्पेसिफाइड बाय रेगुलेशन। ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसका पूरा बिजनेस, मतलब सेंट्रल अथॉरिटी में परफॉर्म होने वाली हर एक एक्टिविटी, ठीक है, कौन संभालेगा? चीफ कमिश्नर संभालेगा और अदर कमिश्नर्स जिनको अपॉइंट किया गया वो संभालेंगे। द चीफ कमिश्नर शैल हैव पावर ऑफ जनरल सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। ये कह रहे हैं कि जो चीफ कमिश्नर है कहाँ का? सेंट्रल अथॉरिटी का। उसके पास पावर है सुपरिटेंडेंस करने की, डायरेक्शन पास करने की, कंट्रोल करने की, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में जितने भी पावर है वो सारी पावर सेंट्रल अथॉरिटी के बिहाफ पे किसके पास है? चीफ कमिश्नर के पास है। चीफ कमिश्नर चाहे तो अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। कौन सी पावर? एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर की जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट किया जा सकता है। कहाँ पे? अदर कमिश्नर्स के पास। अगर कभी भी चीफ कमिश्नर को लगता है कि उस पर काम का बर्डन ज़्यादा है तो वह अपने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स के जो पावर है उनको कमिश्नर के पास, अदर कमिश्नर्स के पास डेलीगेट कर सकता है। नेक्स्ट आ जाओ इन्वेस्टिगेशन ऑफ विंग्स, इन्वेस्टिगेशन विंग ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। अब कह रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है, जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसमें एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा जो इन्वेस्टिगेशन का काम करेगा। विंग का मतलब बेसिकली डिपार्टमेंट ही होता है, ठीक है। तो सेंट्रल अथॉरिटी में एक विंग होगी, एक डिपार्टमेंट होगा जिसका काम क्या होगा? सेंट्रल अथॉरिटी के बिहाफ पे इन्वेस्टिगेशन करना, कि जब भी सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई केस आया, चाहे वो केस फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से जुड़ा हुआ है, चाहे वो केस रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ है, चाहे वो केस अनफेयर प्रैक्टिस से कनेक्टेड है, ठीक है, चाहे वो केस वायलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स से कनेक्टेड है, किसी भी तरह का केस सेंट्रल अथॉरिटी के पास आता है तो उसमें इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? सेंट्रल अथॉरिटी में जो हमने इन्वेस्टिगेशन विंग बना रखी है, इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट बना रखा है, उसका काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अब देखिए इसका तरीका क्या है इन्वेस्टिगेशन करने का, कौन करेगा, पावर कौन देगा, वो सब पढ़ते हैं। द सेंट्रल अथॉरिटी शैल हैव एन इन्वेस्टिगेशन विंग हेडेड बाय अ डायरेक्टर जनरल फॉर द पर्पस ऑफ कंडक्टिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस एक्ट एज मे बी डायरेक्टेड बाय सेंट्रल अथॉरिटी। देखो ये कह रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटी में एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगी जिसका चेयरमैन कौन होगा? डायरेक्टर जनरल। मतलब इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर डायरेक्टर जनरल डीजी की जो पोस्ट होगी वो सबसे हाईएस्ट पोस्ट रहेगी। और इनका काम क्या होगा? इन्वेस्टिगेशन विंग है तो बेसिकली काम क्या होगा? इंक्वायरी करना, इन्वेस्टिगेशन करना। कौन से मैटर पे? वो मैटर जो सेंट्रल अथॉरिटी के पास आएंगे। तो सेंट्रल अथॉरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग को डायरेक्ट करेगी, इनके ऊपर ऑर्डर पास करेगी कि आप क्या करो, इंक्वायरी करो या फिर इन्वेस्टिगेशन करो। हाँ जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट दे रखा है हमको, द सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अ डायरेक्टर जनरल एंड सच नंबर ऑफ एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम अमंगेस्ट पर्संस हु हैव एक्सपीरियंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड पजेस सच क्वालिफिकेशन इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। अब कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करेगी, इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है डीजी की पोस्ट, उस पर एक पर्सन अपॉइंट करेगी और साथ में इस पोस्ट के अलावा, इस पोस्ट के अंडर जो सबॉर्डिनेट होंगे
उनकी भी अपॉइंटमेंट की जाएगी, जैसे कि एडिशनल डीजी, ठीक है, जॉइंट डीजी, डिप्टी डीजी, असिस्टेंट डीजी, ये सब अपॉइंट किए जाएंगे। पर इन सबसे ऊपर कौन होगा? डायरेक्टर जनरल, जो सिंपल डीजी है, वो हमारा हाईएस्ट अथॉरिटी होगी इन्वेस्टिगेशन विंग के अंदर। अब कह रहे हैं कि इनकी जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होगी, इनके पास क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उनमें से हम पर्सन को अपॉइंट करेंगे। एवरी एडिशनल डीजी, डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर शेल एक्सरसाइज हिज पावर्स एंड डिस्चार्ज हिज फंक्शंस सब्जेक्ट टू जनरल कंट्रोल, सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ डीजी। अब देखो, एडिशनल डीजी, उसके अलावा जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सब किसके अंडर काम करने वाले हैं? डीजी के अंडर काम करने वाले, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जितने भी अदर पर्सन है जो डीजी के अंडर काम कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर, वो सब डीजी के सुपरविजन में, मतलब डीजी की देखरेख में, डीजी के कंट्रोल में काम करेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। फिर पॉइंट नंबर 4 दिया हुआ है, द डीजी मे डेलीगेट ऑल और एनी ऑफ हिज पावर्स टू एडिशनल डीजी और डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर। डायरेक्टर जनरल चाहे तो अपनी कुछ पावर्स डेलीगेट कर सकता है अपने सबॉर्डिनेट्स को। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर 5 में, द इंक्वायरीज और द इन्वेस्टिगेशंस मेड बाय द डीजी शैल बी सबमिटेड टू सेंट्रल अथॉरिटी। क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो कहाँ पे है? सेंट्रल अथॉरिटी में है। तो जब भी इन्वेस्टिगेशन विंग अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी, अपनी इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो रिपोर्ट रेडी की जाएगी, वो रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगी? सेंट्रल अथॉरिटी के पास सबमिट की जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको, पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सेक्शन 16 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बाय वट एवर नेम कॉल्ड मे ऑन अ कंप्लेंट और ऑन अ रेफरेंस मेड टू हिम बाय सेंट्रल अथॉरिटी। ये कह रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, जो डीसी है, या तो उसके पास शिकायत आएगी या फिर कोई रेफरेंस आएगी, कहाँ से? सेंट्रल अथॉरिटी से, और द कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस, या फिर रेफरेंस कहाँ से आएगी? कमिश्नर से। कौन से कमिश्नर से? जो इंडिया में हमने रीजनल ऑफिस बना रखे हैं उनसे। इंक्वायर इनटू, और जैसे ही डीसी के पास या तो कंप्लेंट आई या रेफरेंस आई, रेफरेंस आने के बाद या कंप्लेंट आने के बाद डीसी क्या करेगा? इंक्वायर इनटू, इंक्वायरी करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा कंप्लेंट की, जो कंप्लेंट आई थी डीसी के पास रिगार्डिंग वॉयलेशन ऑफ राइट्स ऑफ कंज्यूमर एज अ क्लास और ऑन मैटर रिगार्डिंग टू वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट विद इन इज जुरिस्डिक्शन एंड सबमिट इज रिपोर्ट टू सेंट्रल अथॉरिटी और कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस एज द केस मे बी। अब कह रहे हैं कि जैसे ही डीसी के पास कोई शिकायत आई या फिर कोई रेफरेंस आया किसी वॉयलेशन को लेकर के, वॉयलेशन क्या? कंज्यूमर राइट्स के वॉयलेशन को लेकर के, या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की गई है उसको लेकर के, या फिर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो की गई है उसको लेकर के शिकायत आई, रेफरेंस आया, या फिर कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट को लेकर के शिकायत आई है, या फिर केस रेफर हुआ है, तो इंक्वायरी कौन करेगा? डीसी। और इंक्वायरी करने के बाद रिपोर्ट रेडी करेगा, वो रिपोर्ट कहाँ सबमिट होगी? सर, अगर रेफरेंस दी थी सेंट्रल अथॉरिटी ने, अगर केस रेफर किया था डीसी के पास किसने? सेंट्रल अथॉरिटी ने, तो रिपोर्ट कहाँ जाएगी? सेंट्रल अथॉरिटी के पास जाएगी। अगर डीसी के पास जो केस रेफर होके आया था वो किसी कमिश्नर के थ्रू आया था, कौन सा कमिश्नर? रीजनल ऑफिस का जो कमिश्नर है, तो उसी कमिश्नर के पास हम रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक दे रखा है हमको, कंप्लेंट्स टू अथॉरिटीज। ये कह रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जहां पे एक पर्सन या एक कंज्यूमर अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकता है, ठीक है। शिकायत कहाँ कहाँ रजिस्टर करवा सकते हो, वो अथॉरिटी कौन कौन सी है, और कौन कौन सी शिकायत रजिस्टर करवा सकते हो, शिकायत रजिस्टर कैसे होगी, उसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, ये कह रहा है कि अ कंप्लेंट रिलेटिंग टू वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट, इन तीनों में से किसी भी मैटर में कोई कंप्लेंट है या कोई रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस है उसको लेकर के शिकायत करनी है, तो आप शिकायत कर सकते हो। शिकायत कैसे की जाएगी?
आइदर इन द राइटिंग, या तो लिख के, और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, मतलब फिजिकली लिख करके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में ईमेल वगैरह के थ्रू भी आप इस शिकायत को नोट करवा सकते हो और रजिस्टर करवा सकते हो। अब कह रहे हैं कि शिकायत रजिस्टर कहाँ पे होगी, या तो डीसी के पास, या कमिश्नर ऑफ रीजनल ऑफिस के पास, या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के पास। ये तीन अथॉरिटी हैं जिनमें से किसी के पास भी आप अपनी शिकायत लेके जा सकते हो। आगे लिखा हुआ है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी। जो सेंट्रल अथॉरिटी हमने एस्टेब्लिश की थी, जिसके ऑब्जेक्टिव हमने देखे थे, अब कह रहे हैं कि उस अथॉरिटी को जब एस्टेब्लिश किया जाएगा, जब उसके ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाई किए जाएंगे, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या कुछ पावर्स सेंट्रल अथॉरिटी के पास है, और क्या क्या एक्टिविटीज, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ेंगे उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो सेक्शन 18 सब सेक्शन 1 में लिखा हुआ है प्रोटेक्ट प्रमोट एंड एनफोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एज अ क्लास एंड प्रिवेंट वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर्स राइट्स अंडर दिस एक्ट। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो प्रोटेक्ट करेगी, सेव करेगी, प्रमोट करेगी, बढ़ावा देगी, और एनफोर्स मतलब एप्लीकेबल करवाएगी क्या चीज, कंज्यूमर्स की राइट, और कंज्यूमर्स की राइट का वॉयलेशन ना हो इस पे भी ध्यान देगी, इस पे भी रोक लगाएगी। ये काम किसका हो गया, सेंट्रल अथॉरिटी का। सेकंड लिखा हुआ है और क्या प्रिवेंट करेंगे, कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो ना की जाए। उसके अलावा इंश्योर करेंगे कि मार्केट में फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट ना की जाए, गुड्स के मैटर में भी या सर्विसेज के मैटर में। क्यों, सेल्स इंक्रीज करने के लिए, प्रॉफिट्स इंक्रीज करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी तरफ, इसीलिए। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट डी में एंश्योर दैट, साथ ही साथ जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो इस बात का भी ध्यान रखेगी कि कोई भी पर्सन पार्टिसिपेट ना करे इसमें। अगर कोई दूसरा पर्सन, मान लो एक ए नाम का पर्सन है, वो कोई फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू करना चाह रहा है मार्केट में पब्लिक को, और जो बी नाम का पर्सन है वो भी साथ दे रहा है किसका, ए का, ऐसा काम करने में, तो एक ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी जो खुद अपनी इंटेंशन बना चुका है फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट इशू करने की, तो उसके साथ और लोग शामिल ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। नेक्स्ट आओ सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 स्टेट्स दैट विदाउट प्रेजुडाइजिंग, मतलब सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 को बिना हार्म पहुंचाए, बिना नुकसान पहुंचाए, सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 भी फॉलो किया जाएगा। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंक्वायर और कोज एंड इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड इनटू वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस आइदर सुओ मोटो और एन कंप्लेन रिसीव्ड ऑन डायरेक्शन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। ये कह रहे हैं कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 को बिना नुकसान पहुंचाए सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 को भी फॉलो करेगा, कौन, सेंट्रल अथॉरिटी। अब सेक्शन 18 सबसेक्शन 2 क्लोज ए क्या बोल रहा है, किसके लिए, सेंट्रल अथॉरिटी के लिए। ए में ऐसा लिखा हुआ है कि सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो इंक्वायर करेगी, इंक्वायरी करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, किन मैटर्स पे, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के मैटर पे, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस के मैटर पे, फॉल्स और मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के मैटर पे, या फिर वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स के मैटर पे। और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन कब करेगी, जब सेंट्रल अथॉरिटी के पास कोई कंप्लेंट आएगी तो अपने आप से इंक्वायरी करेगी, या फिर कंप्लेंट आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे रही है इसको, सेंट्रल अथॉरिटी को, कि आप इंक्वायरी करो, इन्वेस्टिगेशन करो, तब ऐसा काम किया जाएगा। फिर पॉइंट नंबर बी में लिखा हुआ है फाइल कंप्लेंट्स बिफोर डिस्ट्रिक्ट कमीशन, द स्टेट कमीशन और द नेशनल कमीशन एज द केस में भी। जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो कंप्लेंट फाइल करेगा, कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के बाद पास, स्टेट कमीशन के पास, या फिर नेशनल कमीशन के पास। अब ये तीन तरह की अथॉरिटी और है हमारे पास, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, हमको दे रखा है कि ये अथॉरिटी क्या है, इनका काम क्या है, इनके पास कौन कौन सी शिकायतें आती है, कौन कौन से केस इनके पास आते हैं, उसके बारे में आगे दिया हुआ वहां पढ़ेंगे, ठीक है। पर अभी हमने क्या पढ़ा, पॉइंट बी में लिखा हुआ है कि सेंट्रल अथॉरिटी शिकायत फाइल करती है, शिकायत रजिस्टर करवाती है, कहाँ पे, या तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास, या फिर स्टेट कमीशन के पास, या फिर नेशनल कमीशन के पास।
फिर सी पॉइंट में दिया हुआ है सेंट्रल अथॉरिटी सी पॉइंट में क्या कर रही है, इंटरवेन, दखल अंदाजी देना, इंटरफेयर करना, इसमें कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग जो कहाँ चल रही है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास चल रही है, स्टेट कमीशन के पास चल रही है, या फिर नेशनल कमीशन के पास चल रही है, एज द केस में बी, इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ वॉयलेशन ऑफ कंज्यूमर राइट्स और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो कोई भी ऐसी शिकायत जो कहाँ तक पहुँच गई है, डिस्ट्रिक्ट कमीशन के पास पहुँच गई है, स्टेट कमीशन के पास पहुँच गई है, या फिर नेशनल कमीशन के पास पहुँच गई है, कौन से मुद्दे पे, कंज्यूमर राइट्स के वॉयलेशन के मुद्दे पे या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो करने के मुद्दे पे, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन जिसके पास भी शिकायत गई है, क्या वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसके लिए इंटरफेयर कौन कर सकता है, सेंट्रल अथॉरिटी इंटरफेयर कर सकती है। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर डी में, रिव्यू। पॉइंट नंबर डी में सेंट्रल अथॉरिटी क्या कर रही है, रिव्यू कर रही है, मतलब दोबारा से चेक कर रही है, क्या चीज, ऐसे मैटर, द मैटर्स रिलेटिंग टू एंड द फैक्टर्स इनहिबिटिंग एंजॉयमेंट ऑफ कंज्यूमर राइट्स इंक्लूडिंग सेफगार्ड्स प्रोवाइडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड रिकमेंड अप्रोप्रिएट रेमेडियल मेजर्स फॉर द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो दोबारा चेक करेगा, रिव्यू करेगा किन चीजों को, कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम ऐसा मान सकते हैं, उन फैक्टर्स के बेस पे ऐसा माना जा सकता है कि कंज्यूमर अपने राइट्स को एंजॉय कर रहा है, कि कंज्यूमर्स के राइट्स वॉयलेट नहीं हो रहे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स के बेस पे माना जा सकता है, या फिर कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए क्या कुछ करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, अदर लॉज में क्या लिखा हुआ है कंज्यूमर्स की सेफ्टी के लिए, इन सभी प्रोविजंस को रिव्यू करेगा कौन, सेंट्रल अथॉरिटी, ऐसा लिखा हुआ है। और साथ ही साथ अदर एक्ट्स में या इसी एक्ट में कंज्यूमर्स को क्या अप्रोप्रिएट रेमेडी मिल रही है एक्ट में, और एक्चुअल में क्या मिलनी चाहिए, क्या उस रेमेडी को अमेंड करने की जरूरत है या नहीं है, उसके ऊपर भी रिव्यू करेगा कौन, सेंट्रल अथॉरिटी। नेक्स्ट आओ पॉइंट नंबर ई में, रिकमेंड अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल कोवेनेंट्स। ऐसे कोवेनेंट्स, कोवेनेंट्स मतलब क्लोजेस, ऐसे कंडीशंस जो इंटरनेशनल लेवल पे अपॉइंट की जाती है या अडॉप्ट की जाती है, ऐसी कंडीशंस जिनको इंटरनेशनल लेवल पे अडॉप्ट किया जाता है, कौन सी कंडीशंस, कौन से कोवेनेंट्स जिससे कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव किया जा सके, ठीक है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए जो इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं उन स्टैंडर्ड्स को इंडिया में भी अप्लाई करना, इसके लिए देख रेख कौन करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी काम करेगी ये भी। नेक्स्ट लिखा हुआ है अंडरटेक एंड प्रमोट रिसर्च इन द फील्ड ऑफ कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर के राइट्स के ऊपर छानबीन करनी है, खोज करनी है, रिसर्च करनी है, स्टडी करनी है कि क्या और कोई राइट्स कंज्यूमर के राइट्स में एड ऑन हो सकती है, नहीं हो सकती, जिन राइट्स को एड ऑन कर रखा है सीपीए एक्ट में क्या उनका दायरा है, स्कोप क्या है उनका, उसके ऊपर रिसर्च करना, तो ये सारे काम भी कौन करेगा, सेंट्रल अथॉरिटी करेगी। स्प्रेड एंड प्रमोट अवेयरनेस, सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो अवेयरनेस फैलाएगी, जागरूकता फैलाएगी, किसको लेकर के, कंज्यूमर्स के अधिकारों को लेकर के। उसके अलावा जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है वो एनजीओस को, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस वगैरह जो है उनको भी क्या करेगा, इनकरेज करेगा कौन, सेंट्रल अथॉरिटी, कि उनके थ्रू भी अवेयरनेस फैलाई जा सके कंज्यूमर राइट्स को लेकर के, उनके थ्रू भी प्रमोशन की जा सके इस चीज की, कंज्यूमर्स के राइट्स की, ताकि वो कोऑपरेशन में काम करे गवर्नमेंट के साथ। मैंडेट द यूज ऑफ यूनिक एंड यूनिवर्सल गुड्स आइडेंटिफायर्स इन सच गुड्स एज मे बी नेसेसरी टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट। अब देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं, मैंडेट का मतलब मैंडेटरी करना। अब पॉइंट नंबर आई में सेंट्रल अथॉरिटी क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सेंट्रल अथॉरिटी कुछ ऐसे आइडेंटिफायर्स, मतलब कुछ ऐसे हिंट्स यूज करने वाली है जो यूनिक होंगे, यूनिवर्सल होंगे, मतलब एक कॉमन आइडेंटिफायर होंगे गुड्स के अंदर, जिनकी वजह से, उन आइडेंटिफायर्स की वजह से ये जाना जाएगा कि कोई भी पर्सन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई भी पर्सन कंज्यूमर्स के राइट्स को वॉयलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। यहाँ पे मतलब क्या बोल रहा है कि जो हमारी सेंट्रल अथॉरिटी है वो कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स
अडॉप्ट करेगी, जिससे ये जाना जा सकता है कि क्या कंज्यूमर्स के राइट्स को वॉयलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, और वो जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो यूनिक होंगे, यूनिवर्सल होंगे, मतलब सभी जगह वो एप्लीकेबल हो सकते हैं, किसी भी तरह के गुड्स के अंदर, किसी भी तरह के सर्विस के अंदर, इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी। नेक्स्ट लिखा हुआ पॉइंट नंबर जे में, इशू सेफ्टी नोट्स नोटिस टू अलर्ट कंज्यूमर्स अगेंस्ट डेंजरस और हजार्डस और अनसेफ गुड्स और सर्विस। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो सेंट्रल अथॉरिटी है वो उन पर्सन्स को बोलेगी, उन मैन्युफैक्चरर्स को बोलेगी, उन डीलर्स को बोलेगी, उन सेलर्स को बोलेगी जो किस में डील कर रहे हैं, डेंजरस गुड्स में डील कर रहे हैं, हजार्डस गुड्स में डील कर रहे हैं या सर्विसेज में डील कर रहे हैं, कि वो सब लोग क्या करें, सेफ्टी नोटिस लगाए। अगर गुड्स है तो पैकिंग पे लगाए, सर्विस है तो जब सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पे बताए सर्विस रिसिपिएंट को कि ये सर्विस आपको इस तरीके से रिसीव करनी है या इस तरीके से आपको इस सर्विस का यूज़ करना है, जो भी चीज़ है, ताकि कंज्यूमर के साथ, सर्विस रिसिपिएंट के साथ कोई भी हादसा ना हो, कोई भी डैमेज या कोई भी नुकसान ना हो। फिर पॉइंट नंबर के में लिखा हुआ है एडवाइस द मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर वेलफेयर मेजर्स, कि कंज्यूमर्स की भलाई के लिए और क्या क्या पॉलिसीज बनाई जा सकती है, कंज्यूमर्स के भलाई के लिए और क्या क्या काम किए जा सकते हैं, इन बातों पे एडवाइस देगा कौन, सेंट्रल अथॉरिटी। किनको एडवाइस देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। और लास्ट पॉइंट दिया हुआ है इशू नेसेसरी गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए, पब्लिक के साथ, कंज्यूमर्स के साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस फॉलो ना हो, इनको रोकने के लिए गाइडलाइंस इशू की जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उनको अप्लाई किया जाएगा, किसके थ्रू, सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू। तो सेंट्रल अथॉरिटी के काम क्या है, फंक्शंस क्या क्या है, पावर्स क्या क्या है, वो हमने डिस्कस कर लिया। चलो आज इतना ही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए और कोई भी डाउट आए तो मुझसे ले लेना। चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।